हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम घोषित हो चुकी है, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने अपने भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ऐसी ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसमें विदेश में झंडा रोपने में जरूर कामयाब होगी भारतीय टीम। या दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कप्तान रोहित शर्मा ने आखिर किन 11 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है इस T20 वर्ल्ड कप 2024 को जीतने के लिए, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक करिए। और किन किन खतरनाक खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय टीम इस बार USA क्रिकेट एसोसिएशन और वेस्टर्न डीज में जो खेल खेलने वाला है, उसमें भारतीय टीम कैसी घोषित की है रोहित शर्मा ने, दोस्तों ये तो बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। या दोस्तों, आज हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा ने जो खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेवारी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, जी हाँ दोस्तों, जहां की सरजमी पर भारतीय टीम ने यह मैच जीतना बेखूबी आता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भारतीय टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हुई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में, जी हाँ दोस्तों, 4-1 से सीरीज अपने नाम की। और उसके बाद अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए लगा रहे हैं। जहां पर बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग 2024, इससे पहले भारतीय टीम तैयारियों में जुट चुकी है इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की तैयारियों में। या दोस्तों, तो आज हम बताते हैं रोहित शर्मा ने किन 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया है, जहां पे नंबर 1 पर रोहित शर्मा खुद और यशस्वी जायसवाल के साथ बैटिंग करने के लिए आने वाले हैं। या दोस्तों, हाल में यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, और यशस्वी जायसवाल को तो आप जानते ही हो दोस्तों। उसके बाद रोहित शर्मा ने दोस्तों नंबर 3 पर ऐलान कर दिया है विराट कोहली का। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली जाने माने दिग्गज बल्लेबाज, जिनके बिना मैच अधूरा सा लगता है, टीम अधूरी सी लगती है। उसके बाद कप्तान यहाँ पर रोहित शर्मा ने नंबर 4 पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव का ऐलान किया है। 360 डिग्री प्लेयर के रूप में जाने जाने वाले यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को तो आप बखूबी से जानते हो दोस्तों, T20 के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने नंबर 5 के लिए एक और नए बल्लेबाज का ऐलान किया है, और वो है रिंकू सिंह। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह को तो आप बखूबी से जानते हो, बहुत ही तगड़े प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं रिंकू सिंह। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों रिंकू सिंह के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक और दिग्गज प्लेयर ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या, जो कि T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या को तो आप बखूबी से जानते हो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्लेइंग करते हैं। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक और जबरदस्त प्लेयर KL राहुल के रूप में ऐलान किया है, विकेटकीपर, बतौर विकेटकीपर खेलते हुए आपको नजर आने वाले हैं। KL राहुल को तो आप अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों, T20 के विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक और जबरदस्त खिलाड़ी का ऐलान किया है, और वो है रविंदर जडेजा। क्या दोस्तों, रविंदर जडेजा को तो आप बखूबी से जानते ही हो, आखिर गेंद और बैट के साथ दोनों के साथ वो जादू करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद अगर बात करें गेंदबाजी ऑर्डर की, तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी आपको नजर आने वाले हैं। तो ये है दोस्तों हमारी भारतीय टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, जिसके लिए कप्तान रोहित शर्मा ने पूर्ण डिसीजन ले लिया है कि हमारी भारतीय टीम ICC वर्ल्ड कप 2024 इस बार जरूर लेके आएगी। तो दोस्तों, आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने देश भारत में लाए, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए क्या भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत को जिता पाएगी। कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर